सो गाइस बहुत दिनों से आप सभी को यही सुनने को मिल रहा था कि अपने एलाइट पास आप सभी को रिटर्न में देखने को मिलेंगे, एंड मैंने आप सभी को अपनी वीडियो में भी बताया था। तो गाइस फाइनली अपने गेम में एलाइट पास रिटर्न में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे देखो अपने सीजन 1 से लेकर सीजन 5 के एलाइट पास यहाँ पे आप सभी को रिटर्न में देखने को मिल चुके हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भाई लोग, अब फटाफट से इसको निकालते और देखते कि भाई इसके अंदर अपने कितने डायमंड लगने वाले, और आप सभी को भी दिखाने वाला हूँ कि आप सभी के कितने डायमंड्स लगेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो मेरे अकाउंट में यहाँ पे टोटल 520 डायमंड है। तो स्पिन वगैरह करते हैं, एंड यहाँ पर ना मेरे को ना रिवॉर्ड्स वगैरह भी इसके अंदर काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। आप सभी को सारे के सारे पुराने आइटम रिडीम करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी को कितने डायमंड देने पड़ेंगे एंड आप सभी को कैसे कैसे स्पिन करना है। एंड यहाँ पे देखो आपको एक्सचेंज करने पे भी इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप सभी को टोकन्स मिल जाएंगे एलाइट पास वाले, उससे आप यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। तो चलो भाई लोग फटाफट से देखते हैं कि अपना कौन सा बंडल निकलने वाला है एंड हम सभी को क्या मिलता है। बाकी भाई लोग उससे पहले देखो, अगर आपको भी बिल्कुल ही फ्री में हिप हॉप बंडल को निकालना है, मतलब आप सभी को थोड़े बहुत डायमंड्स चाहिए ना, तो देखो मैंने गिव अवे स्टार्ट किया, उसके लिए आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको देखो क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आप सभी को सर्च करना है sugarhome.com, मेरी वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। फिर भाई लोग आप सभी को यहाँ पर ऐसे सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सभी को कुछ इस टाइप से स्पेलिंग डालना है, ये वाली वेबसाइट आएगी सबसे ऊपर, आप सभी को इसको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखो आपको पहला पोस्ट देखने को मिल जाएगा, फ्री हिप हॉप डायमंड, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड्स मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे मतलब आराम से अपना हिप हॉप बंडल या कुछ भी आप निकाल सकते हो, छोटे मोटे आइटम्स निकाल ही लोगे 1500 डायमंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को फॉर्म देखने को मिलेगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से भर लेना, जो भी चीज चाहिए होगा आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना एंड आप सभी को मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। और हाँ, जल्दी से जाके फॉर्म को फिल आउट कर लो। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, एंड यहाँ पर हम यहाँ पे स्पिन करते हैं, ठीक है। वैसे भाई लोग यहाँ पे देखो अपने सीजन 1 से लेकर 5 तक अपने सारे बंडल्स आए हैं, तो ये क्यों आए इसके बारे में मैं आप सभी को वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, आप सभी को मतलब शायद से नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। बाकी यहाँ पे हम लोग इसको स्पिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अपना स्पिन करने के लिए ना, सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड रॉयल के अंदर स्पिन करते हैं। बहुत दिनों से गोल्ड रॉयल के अंदर भी स्पिन नहीं किया, तो इसको स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं निकला, एंड मेरे को लग रहा है कि भाई हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा, एंड यहाँ पे अपने 500 डायमंड भी बेच जाएंगे। एंड आप लोग कहते हो टॉप ऑफ क्यों किया, तो ये देखो लास्ट बात था, ठीक है। अपना ये हिप हॉप आ गया, अब तो भाई हो सकता है गेम भी ना खेलें, समझ रहे हो ना, मतलब पुरानी चीज़ें ही रिटर्न आ गई, तो अब तो समझ रहे हो। एंड बहुत सारे बंदे तो 10,000 डायमंड वेस्ट कर रहे थे, बस मेरे को जस्ट आपको दिखाना है आप सभी के कितने डायमंड लगने वाले, ठीक है। एंड इसी बहाने भाई लोग आज का कंटेंट भी मिल गया। बाकी भाई लोग यहाँ पे आप लोग देखो, मेरे को ना यहाँ पे ना कुछ भी ढंग का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बस अवतार बैनर एंड अपना वही व्हाइट वाला बॉक्स आ रहा है, कोई सा भी हमें गोल्डन बॉक्स देखने को नहीं मिल रहा है। एंड मैंने सारा ट्रिक यूज़ किया बट कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो समझ जाओ कि आप सभी के भी बहुत ज़्यादा ही डायमंड्स कटने वाले हैं। एंड आप सभी को मतलब देखो ना, मतलब अपना सारा चीज़ यहाँ पे तो रिटर्न में आ चुका है, बस अपना क्या चीज़ बचा है, अपना ब्लू क्रिमिनल बच चुका है एंड अपना येलो क्रिमिनल बच चुका है, जो कि आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे रिटर्न में आ चुका है। बाकी यहाँ पे देखो मैं स्पिन पे स्पिन करे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस मेरे को यहाँ पे टोकन्स मिल रहे हैं, जिसको मैं एक्सचेंज करूँगा तो मेरे को पता है कि मेरे को कचरा ही मिलने वाला है, समझ रहे हो, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखो मतलब एक्सचेंज में भी अच्छे खासे रिवॉर्ड है, कम टोकन से। यहाँ पे देखो ये सरबोर्ड का स्किन काफ़ी ज़्यादा रेयर था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए भाई 30-40 टोकन चाहिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए 2-3 हज़ार डायमंड तो भाई मिनिमम लगेगा ही, समझ रहे हो भाई लोग। मैं आपको ना फटाफट से सारे के सारे स्पिन करके दिखा देता हूँ कि अपना क्या निकलता है। और वैसे भाई लोग देखो यहाँ पे ना मैंने 40 डायमंड का स्पिन किया, यहाँ पे अगर मैं 10 बारी का स्पिन करता ना, 10 स्पिन एक साथ करता तो शायद मेरा कुछ अच्छा सा निकल जाता, मेरे को हर बार यही सब देखने को मिल रहा था, अवतार बैनर और यहाँ पे फ्रेगमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे थे रिडीम वाले टोकन, समझ रहे हो। तो यही हो रहा था मेरे साथ, और क्या ही बोले, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे ट्राई कर लिया, एडम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने लेके देख लिया, बट भाई लोग मेरे को ना यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, और वही चीज़ हम सभी को मिल रहा था जो हमेशा की तरह मिलता है, बस रिडीम करो। एंड बाकी भाई लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे आधे से भी ज़्यादा डायमंड यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे टॉप अप वगैरह मत करना, क्योंकि ना मतलब कर भी सकते हो, इसका फ़ायदा भी है, जो कि मैं आप सभी को लास्ट में बताऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो बस फ्रेगमेंट्स में फ्रेगमेंट्स निकले जा रहे हैं, तो इसको लास्ट में अभी रिडीम करके देखेंगे कि अपने कितने आइटम्स निकलते हैं, और ठीक ठाक आइटम्स निकल जाएंगे मेरे को जहाँ तक लगता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं एक ही बार में 40 स्पिन करते तो शायद कोई सा एक रेयर बंडल मिल जाता पाँचों में से, बट कुछ भी हो सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने एक एक करके स्पिन किया, और थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, एंड इसी बहाने मतलब अपनी वीडियो भी एक बन गई, समझ रहे हो, नहीं तो आप सभी को बताए क्या। तो देखो भाई लोग हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे देखो अपने सारे के सारे डायमंड्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे आप सभी के डायमंड्स लगने वाले हैं एंड आप सभी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे देखो मेरे को टोटल 19 टोकन मिले हैं मेरे को 520 डायमंड में, तो इसी हिसाब से आप सभी को 4,500 से लेकर 5,000 डायमंड्स देना होगा, फिर जाके आप सभी के पास 180 टोकन होंगे, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट करके बताया आप सभी को, तो समझ जाओ आप सभी को कम से कम 5,000 डायमंड्स तो लेके आना ही पड़ेगा, जब भी जाके आप सभी का कुछ निकलेगा।
बाकी उससे पहले आप सभी को छोटे मोटे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलो इन्हीं को ही हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पर अपने को बंडल्स वगैरह तो नहीं मिला, चलो उसी बंडल्स का अवतार बैनर ले लेते हैं, जिससे बंदे लोग को लगेगा कि हाँ हमारे पास भी सकूरा हिप हॉप था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सकूरा बंडल का हिप वो अवतार और बैनर। बाकी भाई लोग आप सभी को कैसा लगा ये वाला इवेंट, मेरे को जरूर से कमेंट में बताना। और देखो भाई लोग, इससे ये चीज़ तो प्रूफ हो चुका है कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में जो भी चीज़ बताया था वो 100% रियल है, जबकि गरेना वालों ने ऑफिशियली बोला था कि हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको फिर भी कहा आएगा, गरेना वाले की मत सुनो, वो तो झूठ भी बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि गरेना वाले झूठ बोलेंगे कुछ भी अपना इवेंट डालने के लिए। तो आप लोग बस मेरे ऊपर बिलीव करो, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आउटफिट बना है, ठीक है, ये टी शर्ट ले लेता मैंने। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो मतलब उसको भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।